3 फरवरी वर्ष 1909 में सुहासिनी गांगुली का जन्म तत्कालीन ब्रिटिश भारत और आज के बांग्लादेश के खुलना में हुआ। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी। आजादी की लड़ाई में उन्होंने चटगांव शस्त्रागार कांड के क्रांतिकारियों की मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में उन्हें 8 साल के लिए हिजली के जेल में बंदी बनाया गया। वर्ष 1942 के आंदोलन में उन्होंने फिर से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और फिर से जेल गईं। भारतवर्ष की आज़ादी उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना था, जिसको पूरा करने में उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया और अंत में उन्होंने भारत को आज़ाद होते हुए भी देखा। 3 फरवरी वर्ष 1925 में भारत की पहली बिजली संचालित ट्रेन सेवा मुंबई से कुर्ला के बीच शुरू हुई। यह ट्रेन सेवा भारत ही नहीं बल्कि एशिया की पहली विद्युत ट्रेन थी। तत्कालीन गवर्नर लेडी विल्सन ने हरी झंडी दिखाकर कुर्ला के लिए पहली विद्युत ट्रेन को रवाना किया। इस ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना किया गया। भारत की इस पहली विद्युत ट्रेन को विक्टोरिया टर्मिनस से हरी झंडी दिखाई गई, जिसे आज छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से जाना जाता है। यह ट्रेन हार्बर लाइन पर बॉम्बे विटी स्टेशन से कुर्ला तक चलाई गई। 3 फरवरी वर्ष 1966 में सोवियत संघ द्वारा लूना 9 को सफलतापूर्वक चांद पर उतारा गया। इस अंतरिक्षयान को मोलनिया एम रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। इसका प्राथमिक लक्ष्य चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की तकनीक को प्रदर्शित करना था। यह पहली बार था जब रूस ने चांद पर एक अंतरिक्षयान को नियंत्रित ढंग से उतारा। इस सफल प्रक्षेपण के साथ ही लूना 9 एक खगोली पिंड पर सॉफ्ट लैंडिंग प्राप्त करने वाला पहला अंतरिक्षयान बन गया। लूना के सफल अभियान से यह बात पता चली कि चांद पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्री वहां किसी दलदल में नहीं धंस सकते, और इसी के साथ ही चांद पर पहला मानव भेजने की होड़ और तेज हो गई थी।